भी आम आदमी हो, आपका भी वोट है। उन्होंने बताया था कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। प्रयागराज संगम पे आज तक ऐसा कभी उत्सव हुआ है? और पूरे देश की जो जितनी भी पार्टियां हैं सारी एक साथ अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं। और जितने ये ऑपोजिशन के इकट्ठे हुए हैं इनमें से पूछ लीजिए कि उनमें से एक बंदा भी पीएम लायक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम पॉजिटिव तरीके से इसको देखें तो 2014 के इलेक्शन में 427 सीटों से लड़े थे हमारे प्रधानमंत्री, जिनमें से 287 सीटें उन्होंने जीती। तो इस बार का जो उनका लक्ष्य है वो कुछ 350 सीटें जीतने का लक्ष्य है लोकसभा। तो आपको लगता है वो लक्ष्य वो जीत पाएंगे? और अब जो आगे आइए, आगे आइए, बिल्कुल आगे आइए। क्यों नहीं जीत पाएंगे? देखिए इसका सीधा सा एक रीजन है, आगे आइए ना, आगे आइए। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 के मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए थे उनमें से कोई सा एक वादा आप मुझे बता दीजिए, कौन सा उन्होंने एक भी वादा पूरा किया है? कौन से वादे पूरे? वादे तो बताइए आप लोग, ये पता है कि कौन से वादे तो बताइए। नेगेटिव सोच के मतलब ऐसी हालत कर देते हैं, आपको बताते हैं, आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। 2014 के मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी साहब ने बताया था कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। 2018 में अभी रिपोर्ट आई है कि पिछले 45 वर्षों में इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर। ये रिपोर्ट आपने कहाँ देखी? ये रिपोर्ट हमने न्यूज चैनल पे देखी है। न्यूज चैनल कौन से न्यूज चैनल? किसी न्यूज चैनल ने पुष्टि करी? आपको ये पता है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितना सीमेंट और सारा उसमें लगा है और उसकी वजह से कितना रोजगार मिला है? एक मिनट आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? जवाहरलाल त्रिखा जी। जी हमें आपसे, आपने मोदी जी को ही वोट देने का, मतदान देने का फैसला कर दिया है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मोदी जी के नोटबंदी से, जीएसटी से कई बहुत फायदे हुए हैं, लगता है आपको? बिल्कुल हुए। आप मुझे बताइए कि आप किसको वोट करेंगे? जी हम तो ओपनली नहीं बता सकते। नहीं नहीं, ये एक आम आदमी का फैसला है, आप भी आम आदमी हो, आपका भी वोट है, आप भी अंदर से मोदी को करेंगे। सवाल ये नहीं है, एक सेकंड, जो काम करेगा आज तक जो उन्होंने कांग्रेस ने किया था और 4 साल 5 साल में जो मोदी ने कर दिखाया, आप ये सोचते हैं कि ये प्रयागराज संगम पे आज तक ऐसा कभी उत्सव हुआ है? कभी नहीं हुआ। ठीक है, जितने जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना कांग्रेस कभी नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, जितना जितना आप आज आप जितनी सड़कें देख रहे हो, जितने यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है कारखाने वगैरह, कई योजनाओं का भी देखने को मिला, कई योजनाओं गरीबों के लिए। उसको देखने के बाद भी आप मना कर सकते हो उस चीज को? एक चीज जो बनी है मना कर सकते हो? आइए बोलिए बोलिए। आज जब हमारे नरेंद्र मोदी हर चीज में अच्छा सोच रहे हैं और पूरे देश की जो जितनी भी पार्टियां हैं सारी एक साथ अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं, और आज पूरे देश, हर देश चाहता है भारत को कैसे पीछे किया जाए, परंतु एक बंदा खड़ा होकर बस जनता का साथ चाहता है, आगे बढ़ रहा है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसका एक सब साथ दें? आप साथ दे रहे हो, वर्ल्ड लेवल पे आप साथ पहुंचा रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। ये जितने बंदे इकट्ठे हुए ना ऑपोजिशन की, वो एक सेकंड, ये जितने भी इकट्ठे हुए हैं यहाँ, जितने बंदे खड़े हैं, किसी से पूछ लो कि कोई भी, एक सेकंड, जितने भी यहाँ बंदे खड़े हैं और जितने ये ऑपोजिशन के इकट्ठे हुए हैं इनमें से पूछ लीजिए कि उनमें से एक बंदा भी पीएम लायक है? क्या वो बाहर जाके ये छवि बना सकता है इंडिया की जो मोदी ने बनाई है?